लॉकडाउन का असर कुछ इस तरह लोगों के निजी जीवन पर पड़ रहा है कि लोगों को घरों में आवश्यक सामग्री न होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार द्वारा कुछ हद तक लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग कई अन्य आवश्यक सामग्रियों के अभाव से जूझ रहे हैं और अब इन लोगों की मदद के लिए नया मसीहा सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, वार्ड नंबर 25 गोरखाबासी रोड में शनिवार को कई सहायक कर्मी पहुँचे और रेड जोन एरिया के घर घर जाकर जायजा लिया, उनकी आवश्यक सामग्रियों का लिस्ट तैयार किया व उन्हें आवश्यक सामग्रियों को सहायक कर्मियों द्वारा घर घर जाकर उन्हें उनके हाथों सौंपा गया। আপনারা অজ্ঞানতার পরিচয় দিচ্ছেন, তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হচ্ছেন লকডাউন সময়সীমাকে আরো বৃদ্ধি করতে, বাড়িয়ে দিতে। আপনারা সামাজিক নিয়মটাকে মানছেন না, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন না, করোনা ভাইরাসকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আপনারা অজ্ঞান এখনো সজ্ঞানতা অর্জন করতে পারেননি, তার প্রমাণ হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সত্ত্বেও লকডাউন আইনটিকে বাড়াতে হল এবং সারা দেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা আরো লজ্জার ব্যাপার, দমদমে ঢুকে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস।